हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू आर फाइन। ओके, देखिए आज देखेंगे क्लास टेंथ का जो सब्जेक्ट मैथ है उसका वर्कशीट 3 सीबीएसई बोर्ड का, डेट 9/7/2021 इस तारीख को करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स PQR और इसको ज्वाइन भी करना है। तो आप क्या करें, एक यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, एक से एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश। हमें क्या करना है, 4 0 लेना है, 1 2 3 4, ये 4 0 यहाँ हो जाएगा, ये हो गया आपका P 4 0। और लेना है 4 4, तो 4 4 हमें 1 2 3 4 4 4 लेना है, ठीक है, 4 के सामने 4, यह हो जाएगा 4 4। और क्या करना है, R 0 4 लेना है, तो ये 0 x हो गया और 4 यहाँ, ये हो जाएगा आपका 0 4, ये R है, ये आपका Q है। अब कहता है कि ज्वाइन करो किसको, OP तो ज्वाइन हो गया, चलिए PQ ज्वाइन हो गया, ठीक है, और QR ज्वाइन हो गया, OR ये ज्वाइन हो गया। तो कहता है कि इसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन हो गया, आंसर आ गया। और दूसरा कहता है -2 1 सॉल्यूशन है कि नहीं इसका, ये सारे 9th के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग पहले भी कर चुके हैं। 3y = -1 का सॉल्यूशन है कि नहीं, -2 1, तो देखते हैं, 2 × -2 और +3 × 1 = हमें आना चाहिए -1, ठीक है, 8 × 2 = 4, -4 + 3 - 1, तो -1 = -4 आ गया। यानी कि इसके ये पॉइंट्स को इसमें रखने पर -1 आया, इसका मतलब है कि यह इसका सॉल्यूशन है। तो लिख देंगे यस, -2 1 इज सॉल्यूशन। अब व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन, कांस्टेंट, अब देखिए -15 = 0। अब इसमें ए क्या होता है, ए क्या होता है, बी, और ए कांस्टेंट है सी, ए होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी होता है कोफिशियंट ऑफ वाई, और सी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि हमारा कांस्टेंट कितना है, -15, ठीक है। हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन लीनियर इक्वेशन हैव, लीनियर इक्वेशन इस टाइप का होता है, x + y = 4। अब इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल होते हैं। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, प्लॉट देम ऑन ग्राफ, 3 सॉल्यूशंस इसके फाइंड करना है, इसके 2x + 4y के 3 सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं फटाफट, 2x + 4y = 10, इसके 3 सॉल्यूशन कोई भी निकाल लें, x y, ठीक है, अब यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम x 0 रखते हैं तो y क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा हमें, 10/4, ठीक है, तो 4 1 = 4 2 = 8, 2 4 5 = 20, टाई हो गया। उसी तरह से अगर हम x 1 ले लेते हैं, तो x अगर 1 लेते हैं तो ये +4y = 10 है, इसलिए 4y = 10, और 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इसलिए 4y = 8, y = 8/4 = 2, ये 2 हो गया, ठीक है। अगर 4 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर 2 लेते हैं तो 2 2 = 4, 10 में से 4 गया 6, तो 6/4 आ जाएगा, 6/4 निकालना पड़ेगा, 4y = हो जाएगा 10/10 - 6, तो इसलिए y = हो जाएगा 2 2 = 4, ये हो जाएगा 6/4, इसलिए 3/2, तो हो गया 1.5, ठीक है। इसको प्लॉट कर देना है, प्लॉट कर देते हैं, इस पे ही प्लॉट कर देते हैं, 0 है तो 2.5 है, तो 0 है 2.5 यहाँ आएगा, सॉरी 0 है तो 2.5 यहाँ है 0 2.5, और 1 है तो 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, 2 है तो 1.5 है, 2 है तो 1.5 है, लगभग यहाँ है, ऐसे लाइन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन का ऐसा लाइन होता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब कहता है कि
ज्वाइन देम टू गेट अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन बन गया, आंसर हो गया। तो ये पांच क्वेश्चन थे, पांचों के आंसर हो गए, ठीक है। अब हम साइंस का करेंगे।